सलाम वालेकुम, मैं हूं मुंतहा काजमी एवाई टीम के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आमिर खान की बेटी इरा खान के बारे में। तो जी हां, आमिर खान की बेटी इरा खान बन रही हैं शादी के बंधन में। नपूर काफ़ी टाइम से इरा खान को डेट कर रहे थे और इरा खान साल की शुरुआत में ही इनकी वाइफ बनकर शुरू करना चाह रही थी। इरा खान और नपूर की शादी इस साल की रही बॉलीवुड की फर्स्ट ग्रेड शादी, जिसमें कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी नजर आए। आज की इस वीडियो में हम आपको इरा खान के वेडिंग गिफ्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आमिर खान ने अपनी प्यारी बेटी को शादी के ढेर सारे शुभकामनाएं दी और इस लवली कपल को गिफ्ट में मुंबई का आलिशान अपार्टमेंट गिफ्ट किया, जिसमें दुनिया की हर सुख सुविधा का खास ख्याल रखा गया है और इस अपार्टमेंट के प्राइस हैं 5 करोड़ रुपए। अब हम बात करते हैं इरा के हस्बैंड के गिफ्ट के बारे में। तो उन्होंने इरा को इस खुशी के मौके पर हैदराबाद में लगभग 10 करोड़ का एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब हम बात कर लेते हैं रीना दत्ता के बारे में। इरा की शादी पे भी रीना दत्ता नजर आई और साथ उन्होंने इरा और नपूर को इस शुभ मौके पर मस्टर्ड कार गिफ्ट की है, जिसके प्राइस हैं 1 करोड़ रुपए। अब हम बात करते हैं किरण राव के बारे में। तो आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव भी हमें नजर आई इरा खान की शादी पर, और किरण राव और इरा अभी तक भी अपनी मां बेटी वाला बॉन्ड ही शेयर करती हैं। और किरण ने इस खुशी के मौके पर इरा और नपूर के रिलैक्स का गोल्ड पैलेट गिफ्ट किया है, जिसके प्राइस हैं 6 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं कैटरीना कपूर के बारे में। तो कैटरीना और आमिर एक साथ कई मूवीज में काम कर चुके हैं और दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, इसलिए दोनों एक साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। करीना इरा की शादी में तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने इरा खान को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया है, जिसके प्राइस है 20 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं फातिमा सनाशी आमिर खान की गर्लफ्रेंड के बारे। तो आमिर खान की गर्लफ्रेंड भी इरा की शादी में नजर आई। इन दोनों के रिलेशनशिप की चर्चा तो हमेशा सोशल मीडिया पर सुनने को मिलते ही रहते हैं। फातिमा ने इरा और नपूर को इस खुशी के मौके पर न्यूजीलैंड के ट्रैवल टिकट्स गिफ्ट किए हैं, जिसके प्राइस है 10 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं अनुष्का शर्मा के बारे में। तो अनुष्का शर्मा और आमिर खान एक साथ बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट मूवी में ही काम कर चुके हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। अनुष्का ने इरा खान की शादी तो अटेंड नहीं की, लेकिन उन्होंने इरा खान को डिजाइन किया हुआ ड्रेस गिफ्ट भिजवाया है, के प्राइस हैं 12 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ और आमिर भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों कई मूवीज में एक साथ भी काम कर चुके हैं। कैटरीना और इरा और नपूर को इस शुभ मौके पर इन्होंने एक पेंटिंग गिफ्ट भिजवाया है, जिसे वो अपने न्यू घर में डेकोरेट करके रख सकें, और इस पेंटिंग की कीमत है 3 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। तो अमिताभ ने भी आमिर खान की बेटी को ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही में इन्हें गिफ्ट किया एक फ्लावर वॉच, इसके प्राइस हैं 1.5 लाख रुपए। अब हम बात कर लेते हैं एसआर के बारे में। तो एसआर ने भी आमिर खान की बेटी को दी ढेर सारी शुभकामनाएं और उन्होंने इनकी शादी भी अटेंड की और गिफ्ट में इन्हें भेजी एक परफ्यूम बास्केट, जो थी वर्स आईजी ब्रांड की, और इस परफ्यूम बास्केट के प्राइस हैं 20 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं सलमान खान भाईजान। सलमान खान ने भी दिया है इस कपल को बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट। उन्होंने ईरान और नपूर को गिफ्ट में एक सुजुकी बाइक गिफ्ट की है, जिसके प्राइस है 5 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये थी इरा खान और नपूर के एक्सपेंसिव वेडिंग गिफ्ट्स। आपको किसका गिफ्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजम बताइएगा और इस कपल को कमेंट बॉक्स में कंग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी मजीद वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।